हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी बीए इंग्लिश पार्ट वन के सिलेबस के बारे में। सो लेट्स सी द सिलेबस। पूरे ऑनर्स में पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री मिला के 8 पेपर पढ़ने होते हैं, लेकिन बीए पार्ट वन में केवल 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन 100 मार्क्स का होता है और पेपर टू भी 100 मार्क्स का होता है। पेपर वन में जो पढ़ना है उसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इसमें 2 टॉपिक इंक्लूड है। जो पहला टॉपिक है वो है मेजर ट्रेंड्स। मेजर ट्रेंड्स में आपको यूनिवर्सिटी विज द कैवेलियर पोएट, 13th सेंचुरी बॉयज सटायर, 19th सेंचुरी वुमेन नोवेलिस्ट, प्रॉब्लम प्लेस, द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी, रोमांटिक पोएट्री, प्री रेफलाइट पोएट्री, 19th सेंचुरी एसेस्ट, मेटाफिजिकल पोएट्री, एलिजाबेथन प्लेज, एलिजाबेथन सोनेट्स, मॉडर्न ड्रामा, विक्टोरियन नॉवल्स, जॉर्जियन पोएट्री, साइकोलॉजिकल फिक्शन, हीरोइक ड्रामा एक्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ने होंगे। पहले ही टॉपिक में जो दूसरा इसका पार्ट है वो है मेजर ऑथर्स। ये इसमें जो ऑथर्स पढ़ने हैं वो इसमें है जाफरी चौशर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन बेबस्टर, डैनियल डिफो, चार्ल्स डिकिन, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, रुडयार्ड किपलिंग, टी एस एलियट, जे बी शॉ एंड डी एच लॉरेंस। ये सारे मेजर ऑथर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी दो टाइप है, दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जो पहला टाइप का आता है वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ए पोएम। कोई भी एक पोएम दे दिया जा सकता है या पोएम का लाइन दे दिया जा सकता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं होगा, और उसका फिर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है, उसको डिटेल्स बताना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और इसमें जो दूसरा टाइप है वो प्रेसी ऑफ ए पैसेज, इट मीन्स एक लॉन्ग पैसेज दे दिया जाएगा और उसको आपको शॉर्ट करना है। तो ये दो टॉपिक है। अब हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 मेजर ट्रेंड से रहेगा। कोई भी 2 ट्रेंड से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे यूनिवर्सिटी बिट्स या द कैवेलियर पोएट्स, दोनों का आपको आंसर देना है। और हर एक ट्रेंड 20 मार्क्स का होता है, तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन मिला के आपको 40 मार्क्स कवर करते हैं। फिर जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो है मेजर ऑथर्स। जो भी ऑथर्स है उसमें से किसी भी 2 ऑथर्स के बारे में लिखना होगा, और दोनों 2 ऑथर्स पे आपको 15, हर एक ऑथर पे 15-15 मार्क्स मिलता है, और इससे ये आपको 30 मार्क्स हो जाते हैं। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ए पोएम, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाते हैं। और जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है वो प्रेसी ऑफ ए पैसेज, यानी लॉन्ग पैसेज को शॉर्ट करना। तो ये रहा पेपर वन। पेपर टू यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है मैक फ्लैकनो, जो कि एक मॉक हीरोइक पोएम है या शटायर है, जो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया। और दूसरा पोएम है, ये भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, द ईव ऑफ संत एग्निस, विच वॉज रिटन बाय जॉन किट्स। एक रोमांटिक पोएम है, लॉन्ग पोएम है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। और जो तीसरा टॉपिक है वह पाल ग्रेव्स गोल्डन ट्रेजडी। गोल्डन ट्रेजडी इट इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम। उसमें जो पोएम पढ़ना है वो उसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। जो पहला पोएम पढ़ना है वो है ए कॉन्सोलेशन, विलियम शेक्सपियर, टू सेलिया, बेन जॉनसन, थॉट्स इन अ गार्डन, एंड्रयू मार्वेल, द रिट्रीट, हेनरी वॉन, द गिफ्ट ऑफ द गॉड, जॉर्ज हर्बर्ट, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रीज, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, एंड टू द स्काईलार्क। ये 3 पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑल थॉट्स ऑल पैशन या लव, ये स्टी कॉलरिज के द्वारा लिखा गया। टू ए स्काईलार्क, पी बी सैली, ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमन सोमर, और ओड टू नाइटिंगल, ये दोनों पोएम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। शी वॉक्स इन ब्यूटी, लॉर्ड बैरन का पोएम है। नाउ फेस द लास्ट लॉन्ग स्टिक ऑफ स्नो, एंड नाउ स्लिप्स द क्रिम्सन पेटल, ये दोनों पोएम टेनिशन का पोएम है जो आपको पढ़ना है। टू इन द कैंपेगना, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोएम है। और जो लास्ट पोएम पढ़ना है आपको वो है डोवर बीच, जो मैथ्यू आर्नल्ड का पोएम है। नाउ लेट्स सी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द दिस पेपर। इसमें आपको 4 एक्सप्लेनेशन आएंगे, और हर एक एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का होगा, और तो इस टाइप से ये 32 मार्क्स होते हैं। वन फ्रॉम मैक फ्लैकनो, एकदम शर्टेन है कि एक मैक फ्लैकनो से रहेगा। एक द ईव ऑफ संत एग्निस से रहेगा, और जो 2 एक्सप्लेनेशन आएंगे वो आपको पाल ग्रेव्स गोल्डन ट्रेजडी के किसी भी पोएम से आएगा, जो आपको जो यहाँ पे आपके जिसका डिटेल आपके सामने है। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन।
ये भी चार क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, तो इस टाइप से आपके पास ये 60 मार्क्स कवर करता है। वन फ्रॉम मैक फ्लेक्नो, मैक फ्लेक्नो से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ए द ईव ऑफ संत एग्निस से भी एक लॉन्ग रहेगा, और दो गोल्डन ट्रेजरी से रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है वो है स्कैनिंग ऑफ ए पैसेज, या तो स्कैनिंग पूछ सकता है किसी पैसेज का या फिर फिगर ऑफ स्पीच, ज्यादातर फिगर ऑफ स्पीच आता है। तो ये दो रहता है इसमें से क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन चार चार मार्क्स का होता है, यानी ये टोटल 8 मार्क्स हुए। फिगर ऑफ स्पीच में आप इसको देख सकते हैं, जैसे सिमली, मेटाफर, पैराडॉक्स, आयरनी, अल्ट्रेशन, पन, सोनेट, पर्सनिफिकेशन, बैलेट, क्लाइमेक्स एक्सेट्रा। तो इस टाइप से कुछ आप फिगर ऑफ स्पीच को देख लेंगे तो आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा। सो दिस वॉज द सिलेबस ऑफ बी ए पार्ट 1 बी आर ए बिहार यूनिवर्सिटी। सो थैंक यू फॉर बींग हियर।